टुन्नू, पिछले 1 घंटे से तुम फोन पर गेम खेल रही हो। इट्स नॉट गुड। छोड़ दो अभी उसको। क्या आप भी ऐसे ही करते हो बच्चों? चलो मैं आज आपको 2 बच्चों की कहानी सुनाऊंगी। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था विकी। देखे, राहुल उठो, गेट अप, इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। रात को देर तक फोन पर गेम खेलते हो और सुबह देर से जागते हो, इट्स रियली बैड। मम्मा प्लीज सोने दो ना, अभी इस लॉकडाउन में और कुछ करने का तो है ही नहीं। फिर गेम नहीं खेलूं तो और करूं क्या? वही दूसरी तरफ विकी 10 बजे तक ब्रश करके नहा चुका है और ब्रेकफास्ट कर रहा है। ओके बच्चे, मैं थोड़ा सा किचन में काम निपटा लूं, फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ठीक है मम्मा, तब तक मैं आपकी किचन में हेल्प कर देता हूँ। धुले हुए बर्तन सेट करके लगा देता हूँ और आपके लिए वेजिटेबल्स वॉश कर देता हूँ। ओके मॉम? वाह मम्मा, जल्दी आओ, देखो मैंने एक नई गेम डाउनलोड की है, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी है, जल्दी आओ प्लीज प्लीज। राहुल, इट्स बैड। आजकल तुम और तुम्हारा फोन, बस ना तो तुम पढ़ते हो, ना ही मेरी हेल्प करते हो, और ना ही तुम्हारी कोई एक्टिविटी बची है। देखो बैठे बैठे कितने मोटे हो गए हो तुम। मॉम, टीचर ने जो ऑनलाइन वर्क भेजा है वो मैं कर लूंगा थोड़ी देर बाद। टीचर को कौन सा पता चलने वाला है? एक दिन विकी ने राहुल को फोन किया। गेम्स डाउनलोड की हुई है, सारा दिन खेलता हूँ, ये खेलते में बहुत मजा आता है। अब इस लॉकडाउन में बाहर तो खेल नहीं सकते, घर पे और करें भी क्या? अरे क्यों नहीं कर सकते, हमारे टीचर्स हमें ऑनलाइन इतनी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो भेजते हैं। मैं तो सबसे पहले वो करता हूँ, फिर डेली की ऑनलाइन स्टडी करता हूँ। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मैं तो लूडो और कैरम भी खेलता हूँ। और हाँ, तुम्हें पता है मैंने यूट्यूब से देखकर अपने आप केक और सैंडविच बनाना सीख लिया है। मैं तो कहता हूँ तुम भी ये सब ट्राई करो, फोन की गेम से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी तुम्हें ये सब चीजें। कुछ दिन बाद जब राहुल अपने फोन पर गेम खेल रहा था। अरे बेटा क्या हो गया, रो मत। सुनो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, चलो चले हम डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल में डॉक्टर के चेक करने के बाद, देखिए मैडम, बहुत ज्यादा देर तक फोन स्क्रीन देखते रहने की वजह से आपके बच्चे की आईज बुरी तरह से इफेक्ट हुई है। हमें इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, वरना आईसाइट भी जा सकती है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करिए, बस राहुल की आईज ठीक कर दीजिए प्लीज डॉक्टर प्लीज। सॉरी मॉम सॉरी, मैं आगे से फोन पर इतनी देर कभी नहीं खेलूंगा। आप मुझे बहुत समझाते थे, विकी ने भी मुझे समझाया कि हम फोन के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। सॉरी मम्मा, प्लीज मेरी आईज ठीक करवा दो प्लीज।